अरे पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो तुम? वे चिल्ला क्या रहा है, तेरी मदद ही तो कर रही हो, पानी डाल है, साफ कर ले। अच्छा एक बात बता, इस बिल्डिंग का जो ओनर है उसका ऑफिस कहाँ पर है? क्यों, तुम्हें वहाँ पर क्या काम है? तुझसे जितना पूछा है ना उतना बता, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मुझे बता दो ना कि क्या काम है तुम्हें उनसे। तू कौन होता है जो मैं तुझे सारी बात बताऊँ? जितना पूछा उतना बता, मेरी बातों में टांग मत अड़ा। देखिए मैडम, मैं कोई टांग नहीं अड़ा रहा, मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आपको उनसे क्या काम है। तू होता कौन है? तू यहाँ का प्रधानमंत्री है, उसका असिस्टेंट है। अरे मैडम आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है, मैं तो बस पूछा है आपसे। तू ना ज्यादा प्रधानमंत्री मत बन, बता रहा है तो बता वरना मैं किसी और से पूछ लूँ। ठीक है फिर, नहीं बता रहा मैं, जाओ किसी और से जाके पूछ लो। कितना बदतमीज इंसान है तू, लड़कियों से कैसे बात करता है तुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हो मैडम, आपको किससे कैसे बात करनी चाहिए बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लगता है तू अपनी औकात भूल गया गाड़ी साफ करने की। आगे से ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करियो जाहिल कहीं का। सर आपने जो एक फाइल मंगाई थी ना, ये लीजिए। अरे साहिबा तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूपाली तुम यहाँ क्या कर रही हो और इसे सर क्यों बोल रही हो? अरे ये मेरे सर हैं, तुम्हें बताया था ना मैं डीसी में काम करती हूँ, इसी डीसी बिल्डिंग के विशाल टावर में मेरा ऑफिस है। इस बिल्डिंग के ये ओनर हैं? हाँ यही ओनर है। पर रूपाली ये तो यहाँ गाड़ी साफ कर रहे थे। अरे क्योंकि हमारे सर ना बहुत ही डाउन टू अर्थ है और सर को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। अरे तुमने लोगों से तो सुना ही होगा कि ये स्कूटी मुझे बहुत पसंद है, ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। बस हमारे सर का भी यही हाल है, सर की ये फेवरेट कार है, ये किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते, इसलिए खुद ही साफ कर रहे थे। आप दोनों पहले से यहाँ पे, कुछ बात हुई है क्या? वो रूपाली मुझे लगा ये गाड़ी साफ करने वाले और मैंने इनके साथ बहुत बदतमीजी की है, बहुत ज्यादा निर्देश किया है। रूपाली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या साहिबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इंसान को इंसान क्यों नहीं समझती? तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगी। अरे मैंने इन्हें ऐसे गाड़ी साफ करते हुए देखा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि ये गाड़ी साफ करने वाले हैं। अच्छा अगर कोई यहाँ पे गरीब गाड़ी साफ कर रहा होता या कोई कूड़ा उठा रहा होता तुम तो उसे थप्पड़ मार देती। अगर कद को पापा से कोई गलती हुई तो पापा को भी तुम थप्पड़ मार दोगी। चलो अच्छा ही हुआ इस बहाने तुम्हारा असली रूप सामने तो आया। अब जाओ यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना तुम यहाँ पर। रूपाली तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हारा फोन देने आई थी, तुम जल्दबाजी में घर में ही भूल गई थी। एंड आई प्रॉमिस मैं आगे से किसी के साथ भी ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगी, किसी को बिना जाने उसको जज नहीं करूंगी मैं, और ना ही किसी को भला बुरा बोलूंगी। सॉरी। ये सब ना ये घटिया हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। सॉरी सर, ये मेरी बहन है ना थोड़ी नादान है, इससे गलती हो गई, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। सर सर इसकी कॉलेज की फीस, घर का राशन और घर की जितनी भी जिम्मेदारी सब मेरे सैलरी पे ही डिपेंड करती है सर, प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं रूपाली, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें जॉब से कभी भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हारा नेचर ना बहुत ही अलग है, क्योंकि तुम अब से नहीं पिछले 5 सालों से मेरे पास में काम कर रही हो, लेकिन जो क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है ना वो तुम्हारी बहन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है रूपाली तुम्हें अपनी बहन के साथ बैठना चाहिए और उसे सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि लोगों से किस तरह बात की जाती है, उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, है तो वो इंसान ही ना, हमें सबको इक्वल समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच भले ही छोटी बड़ी हो सकती है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम घर में उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ बैठो, उससे बात करो और उसको भी समझाओ कि इस तरह से नहीं करते किसी के भी साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला और आपने जैसा कहा ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं जॉब से जाने के बाद मैं इसके साथ बैठूंगी, इससे बातें करूंगी और इसे समझाऊंगी कि कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करते। इट्स ओके रूपाली, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी बातों पे गौर करोगी। और रूपाली तुम्हें तो पता है हर एक इंसान ना यहाँ पर एक जैसे नहीं होता, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, हो सकता है कोई इससे भी ज्यादा बदतमीज निकले या इससे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ निकले और इसके साथ पता नहीं क्या क्या कर दे, तो इसलिए इस बातों का इसको ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई है और आगे से तुम अपना और उसका पूरा ख्याल रखोगी। ओके सर, तुम घर चलो, तुमसे तो घर चल के बात करती हूँ। हमें बिना सोचे समझे किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कंपनी के मालिक ने इस घमंडी लड़की का घमंड उतारकर बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।